हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त आकाश, और आप देख रहे हैं स्टडी विद आकाश। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। केमिस्ट्री की लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलेंगी ट्रिक्स के साथ। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बातें की थी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में, कि एल्केन्स क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं, ठीक है, उनके जनरल नाम क्या होते हैं, हमने इसके बारे में भी बात की थी, उनके जनरल फार्मूले क्या होते हैं, हम लोग उन्होंने उसके बारे में भी बात की थी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बातें करेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं, तो मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं एल्केन का, ठीक है, एल्केन का या फिर एल्कीन का या फिर एल्काइन का। ठीक है दोस्तों, तो मैं तीनों के लिए एक जनरल फार्मूला बताता हूं। जैसे कि आईपीएससी के लिए हम लोग कह सकते हैं, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग कह सकते हैं, सीधा सीधा आपको कह सकते हैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करने के लिए एल्केन का अगर नॉमेनक्लेचर करना हो हमको, एल्केन का, ठीक है दोस्तों, अगर हमको एल्केन का करना हो जैसे कि, तो एल्केन का क्या करते हैं, एल्क लिखते हैं, ठीक है, एल्क लिखते हैं, एल्क लिखते हैं, प्लस क्या लगा देते हैं हम लोग, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये प्राइमरी सफिक्स, पहली बात तो सफिक्स क्या होता है, सफिक्स वो होता है जो लास्ट में लगता है, जैसे कि आप ऐसे इसको दिखा सकते हैं सफिक्स, जैसे एल्केन, एल्केन में इसका सफिक्स क्या है, एन, तो जैसे एल्केन में इसका सफिक्स होता है एन, या और एल्कीन में इसका सफिक्स होता है ईन, एल्क होता है कोई, एल्क कोई भी हो सकता है, मैं अभी एल्क के बारे में आगे बातें करूंगा, अभी पहले सफिक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। एल्केन का एन होता है, एल्कीन का ईन होता है, और एल्काइन का आइन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके सफिक्स, इसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी सफिक्स। तो एल्केन का ये हो गया, एल्कीन का ईन हो गया, और एल्काइन का आइन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो एल्केन के बाद आपको बताता हूँ कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करने के लिए एल्क, एल्क प्लस प्राइमरी सफिक्स इसको हम लोग लगा देते हैं, तो उसका एल्केन, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का नॉमेनक्लेचर हो जाता है। तो जनरली अब मैं आपको एल्क के बारे में बताता हूँ कि ये एल्क क्या चीज होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एल्क क्या चीज होती है, एल्क क्या होता है, जैसे कार्बन की जो चेन होती है, जिसने कार्बन के नंबर, नंबर ऑफ कार्बन इन अ चेन, ठीक है, हम लोग उसको एल्क से लिखते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर एक कार्बन है तो उसको हम लोग मैथ पढ़ते हैं, कार्बन अगर दो है तो उसको हम लोग एथ पढ़ते हैं, अगर तीन कार्बन है तो उसको प्रोप पढ़ते हैं, और चार कार्बन है तो उसको ब्यूट पढ़ते हैं, फाइव कार्बन है तो उसको पेंट पढ़ते हैं, सिक्स कार्बन है तो हेक्स पढ़ते हैं, सेवन कार्बन है तो हेप्ट पढ़ते हैं, और एट कार्बन है तो ऑक्ट लिखते हैं, अगर नाइन कार्बन है तो नॉन लिखते हैं, और सी टेन अगर कार्बन की संख्या टेन है दोस्तों, अगर कार्बन की संख्या टेन है, टेन है तो उसको हम लोग लिखते हैं डेक। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके एल्क, इसको आपको रटना पड़ेगा, मैथ एच प्रो ब्यूट पेंट हैक्स हेप्ट है नो ऑक्ट, हेप्ट के बाद ऑक्ट नॉन ड्रेक। ठीक है, हम लोग 10 तक जनरली पढ़ते हैं क्योंकि इसी तक हम लोगों के आईपीएससी नॉमेनक्लेचर हो जाते हैं इतने में ही पूरे, जबकि मैं आपको 10 का भी, 10 के बाद 11 और 12 का भी बता देता हूँ। 11 को पढ़ते हैं अनडेक, 12 को पढ़ते हैं डूडेक, और सी अगर 13 मतलब 13 कार्बन की अगर चेन है तो उसको हम लोग ट्राईडेक पढ़ते हैं, टेट्राडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नॉनाडेक, ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर वो कार्बन की संख्या 20 हो जाती है, तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ, ऐसे ऐसे पूछा नहीं जाता, हम लोग का नॉमेनक्लेचर यही 10 तक हो जाता है। ठीक है, कार्बन नंबर 10 तक हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर कार्बन की संख्या अगर 20 है तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, आईकॉस। ये सब आपको रटने की जरूरत है दोस्तों, इसको रट लीजिए, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर अगर सीखना है तो इसको रट लीजिए। कार्बन की संख्या अगर 20 हो गई तो आईकॉस पढ़ते हैं, अगर कार्बन की संख्या 30 हो गई तो ट्राइकॉन्ट पढ़ते हैं, ट्राइकॉन्ट पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कार्बन की संख्या 40 हो गई मान लीजिए तो इसको क्या पढ़ते हैं, टेट्राकॉन्ट पढ़ते हैं, टेट्राकॉन्ट पढ़ते हैं। अगर कार्बन की संख्या यही 100 हो गई मान लीजिए, 100 हो गई कार्बन की संख्या, अगर 100 हो गई, 100 कार्बन की चेन है तो इसको क्या पढ़ेंगे, हेक्ट, हेक्ट पढ़ेंगे। इसको सेंट भी पढ़ते हैं, सी ई एन टी, सेंट भी पढ़ते हैं, इसको एच ई एक्ट, हेक्ट भी पढ़ते हैं, इसको सेंट भी पढ़ते हैं। ठीक है, इतना बहुत है आप लोगों के लिए। और मैं जैसे आपके जनरल नाम भी करके बता देता हूँ, जैसे मेथेन है, मेथेन को हम लोग एल्क, ये एक एल्केन है, मेथेन है एक एल्केन है, ठीक है, सी एच फोर मेथेन है। इसको एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया मैथ कहते हैं, मैथ, ठीक है, और प्राइमरी सफिक्स इसका क्या है, एन, एक कार्बन की चेन है, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो इसको एन ही कहेंगे, मेथ एन मिला के हो गया आपका मेथेन। जैसा कि मैंने आपको मेथेन के जनरल नाम भी पिछली वीडियो में आपको बताया था, नहीं नहीं जानते हैं तो अगर पिछली वीडियो को जरूर देखिए, आप मेरे चैनल पे जाइए और पिछली वीडियो उसको जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये इसका जनरल नाम हो गया मेथेन। ऐसे ही आप कह सकते हैं जैसे एल्कीन का अगर हमको करना है, एल्कीन का करना है सी टू, जैसे मैं आपको बता दूं एल्कीन का अगर हम लोग करते हैं तो एल्कीन का सफिक्स होता है ईन। ठीक है दोस्तों, तो जैसे अगर सी टू एच फोर एग्जाम्पल ले लूँ, अगर इसमें दो कार्बन की चेन है तो क्या होगा, एथ,
इसका एल्क हो गया एथ, ठीक है। और इसमें डबल बॉन्ड होता है जैसे सी एच टू, डबल बॉन्ड सी एच टू, इसमें डबल बॉन्ड होता है, ये ईन है, तो इसका प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, ईन, मिला के क्या हो गया आपका, एथीन, ठीक है। ऐसे एल्काइन का भी करते हैं, एल्काइन में भी आप लोग एक एग्जांपल देख लीजिए, एल्काइन में ऐसे हम लोग करते हैं सी टू एच टू, इसको पढ़ते हैं एसिटिलीन, लेकिन सी टू एच टू को अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, एच और एच, ठीक है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड आयन हो गया। अब इसको दो कार्बन की चेन है, क्या पढ़ेंगे, एथ, यह भी मैं जनरल नॉर्मल के बता रहा हूँ, और ये प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, आइन, इसको पढ़ेंगे हम लोग इथाइन, ठीक है। तो ये आपके हो गए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नॉमेनक्लेचर, जनरल नॉमेनक्लेचर हो गए आपके, ये एल्केन के, एल्कीन के और एल्काइन के जनरल नॉमेनक्लेचर हो गए, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ और, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।